नमस्कार, वेलकम। आज नया दिन, नया टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक जिसके बारे में हम लोग बातें बहुत करते हैं, जिसके बारे में आपने वीडियोस बहुत देखे हैं, बहुत लोगों से सुना है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता, थोड़ा थोड़ा सा आइडिया है कि वो होता क्या है। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिक सेल्स प्रोपोजिशन या यूएसपी की। हम लोग पहले तो ये जानेंगे यूएसपी होता क्या है, उसके बाद फिर सिंपल स्टेप्स में ये पता करेंगे हमारे बिजनेस का यूएसपी क्या है और इसको कैसे निकालते हैं। सो चलिए आज की जर्नी शुरू करते हैं। सो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है यूएसपी। जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक क्लासिकल डेफिनेशन है यूएसपी का। इसमें बेसिकली तीन चीजें होती है। क्या क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, क्या राइट है, रॉन्ग है, रेड, ग्रीन, येलो, ये सब कुछ छोड़ दीजिए, पहले हम लोग तीन चीजें समझते हैं। वो तीन चीजें क्या है, ये वही सारी चीजें हैं जो हमने नीश आइडेंटिफिकेशन के समय यूज की थी। अगर आपको ध्यान हो, वहां हमने पूछा था कि मार्केट को क्या चाहिए, सबसे पहला सवाल वो था। यहाँ भी हम लोग सबसे पहले वही सवाल पूछ रहे हैं, What does the consumer wants? Customer को क्या चाहिए? दूसरा सवाल यहाँ पे हम लोग ये पूछ रहे हैं, What does your brand does well? आपका ब्रांड क्या अच्छा कर सकता है? ये हमारा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल, यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन भी आया। जब हम लोग नीश आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे, उस समय कॉम्पिटिशन मार्केट का ही पार्ट था। तीसरा सवाल वहां पे था आपके पैशन को लेकर के। यहाँ पे तीसरा सवाल है कंपटीशन को लेकर के, कि जो मार्केट को चाहिए, जो आप अच्छा कर सकते हो, क्या ये वही चीजें हैं जो कंपटीशन भी अच्छा कर रहा है? तो यहाँ ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है। मार्केट को क्या चाहिए, आप क्या अच्छा दे सकते हो, आपका कॉम्पिटिटर क्या अच्छा दे रहा है, इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन से निकल कर आता है आपका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। पर जैसा कि हमने मैथ्स में पढ़ा है, वेन डायग्राम होता है, दो सर्कल होती हैं, उसका इंटरसेक्शन होता है, तो ये तीनों सर्कल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, क्या ये आपका यूएसपी है? आंसर इज एब्सोल्युटली नो, ये आपका यूएसपी नहीं है। फिर आपका यूएसपी क्या है? आपका यूएसपी जो है, आप देखोगे ग्रीन जोन में, मतलब ये वो चीज है जो आप अच्छा कर सकते हो और मार्केट को चाहिए भी, पर आपका कंपटीशन आज के डेट में नहीं कर रहा है। यहां पे फर्क आता है। सो योर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन कंप्राइज ऑफ दोज एलिमेंट्स विच यू एंड ओनली यू कैन डू बेटर देन योर कंपटीशन। एक दूसरे एंगल से देखें, अगर इसको इस तरीके से समझें कि यूएसपी क्या है, तो यूएसपी एक सिंपल से सवाल का जवाब है। और वो सिंपल सा सवाल क्या है, आपके प्रोडक्ट के लिए मार्केट आपको पैसा क्यों दे? Why should a customer pay for your product? इस सवाल का जो जवाब है वो ही यूएसपी है। क्लियर है? ये सिंपल सी चीज है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो इसका जो थीम है वो समझने की जरूरत है कि यूएसपी क्या है। यूएसपी वो चीज है जिसकी वजह से आपके कस्टमर आपको पे करेंगे। अब हमारे फूड बिजनेस में ये कैसे एप्लीकेबल होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं वॉफल बना रहा हूँ, मैं वॉफल का एग्जाम्पल कैरी करता हूँ, वॉफल बना रहा हूँ। सो पहला सवाल, कस्टमर इस वॉफल के लिए मुझे 150 रुपीस या 180 रुपीस क्यों दे? क्या मैं मार्केट का सबसे अच्छा वॉफल बनाता हूँ? सब्जेक्टिव है, तो मुझे कुछ और अच्छा लगेगा, आपको कुछ और अच्छा लगेगा, किसी तीसरे आदमी को कुछ और अच्छा लगेगा। तो मार्केट का सबसे अच्छा है, ये एक सब्जेक्टिव क्लेम है। क्या मैं मार्केट के बेस्ट इंग्रीडियंट्स यूज करता हूँ? ये भी एक सब्जेक्टिव क्लेम है। कस्टमर कभी चेक नहीं करता है कि आप क्या यूज कर रहे हो, अनलेस इट्स अ लाइव किचन। और लाइव किचन में भी दो तीन चीजें दिखती हैं। मैंने तो ऐसे भी कैफे देखे हैं जहां पर वो हर्शेस सिरप के बॉटल में
चीप क्वालिटी का लोकल चॉकलेट सिर्फ डाला हुआ है। सो यू नो इस दुनिया में सब कुछ संभव है, सो लेट अस नॉट गेट इनटू टू मच ऑन दोज एस्पेक्ट्स। बट सवाल वहीं पे है कि कस्टमर हमारे डिश के लिए हमें पैसे क्यों देगा। अब इस चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इस सवाल का जवाब पाने के लिए तीन अलग अलग लिस्ट बनाते हैं, तीन अलग अलग टेबल्स की मदद लेते हैं। वो टेबल्स क्या है, कैसे बनते हैं, ये हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में।